श्लोक संख्या 22। यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थात, और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। तो हम लोग क्या है, हम सामान्य मनुष्य हैं और हमारा ज्ञान तामसी है, क्योंकि ना तो हमें ये पता कि शास्त्र क्या है, शास्त्र के आदेश क्या हैं, शास्त्र के प्रमाण क्या हैं, ये सब पता ही नहीं। तो इनके माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा भी ज्ञान शरीर तक ही सीमित है, जो कुछ भी करेंगे शरीर के भरण पोषण के लिए करेंगे। तो एक आम आदमी का जो ईश्वर है वो धन ही है, धन ही ईश्वर है। धन को कमाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। तो आज के व्यक्ति के लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान उसके लिए है शरीर की आवश्यकताओं की तुष्टि। शरीर का भरण पोषण बढ़िया हो और धन ही धन हो, यही उसका ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का भगवान से कोई संबंध नहीं होता। ये तो वैसे ही ज्ञान है जैसे पशु खाता है, पीता है, सोता है, रक्षा करता है, मैथुन करता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान है। अब ऐसा ज्ञान जो सिर्फ यहीं तक सीमित हो, आहारम निद्रा भय मैथुनम चा, तो ऐसा ज्ञान तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। तो शरीर से परे जब हम आत्मा के बारे में समझ पाते हैं तो ये सात्विक ज्ञान है। और जिस ज्ञान से हम अनेकानेक तर्क कुतर्क करें, अनेक प्रकार के सिद्धांत जो है वो हमारे मन में जन्म लें और हम उस मनोधर्म के चलते हुए शास्त्रों को मानने से इंकार कर दें, आत्मा को मानने से इंकार कर दें, तो ये रजोगुणी है। और अगर शरीर को सुखमय बनाने के लिए सारे तामझाम करें तो ये तामसी है।